Welcome to my YouTube channel. In this video, I am going to show you that MacBook Pro M1 Max versus MacBook Pro. तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखिएगा ट्रेडिशनल थंडरबोल्ट चार्जिंग पॉइंट जिसमें दो USB हब और एक हेडफोन कनेक्ट करने का जुगाड़ है. दूसरे साइड में एक और टाइप सी स्लॉट और कार्ड रीडर भी है. इसके प्रोसेसर की बात करें तो M1 Pro में 10 कोर CPU के साथ आता है, जबकि M1 Pro Max जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है. दोनों लैपटॉप के साइज बाय साइज की बात करें तो यू कैन फाइंड द डिफरेंस. बैटरी बैकअप की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है अप टू 21 आवर्स की, हालांकि डेली यूजेस पे ये 15 टू 16 आवर्स आराम से चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है. और एप्पल क्लेम करती है कि इसमें दुनिया की सबसे बेहतरीन नोटबुक डिस्प्ले है, 1080p कैमरा, 6 स्पीकर और 16 कोर GPU तक के ऑप्शन आपको मिलेंगे. ग्राफिक्स काफ़ी बढ़िया है. कीबोर्ड में आपको फिंगर आइडेंटिक सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा. कंपेयर करें मैकबुक प्रो 13 इंच और प्रो 14 इंच की, तो प्रो में आपको एक की लाइट पैनल दिख जाते हैं जो एक तो आपके इंटरफेस को बहुत बढ़िया बना देते हैं, जो कि ये 14 वाले मॉडल में नहीं दिखता है. हालांकि जो मेन डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो देखो ये जो 13 इंच के मॉडल है ये एक नॉर्मल यूज़र के लिए है. मतलब नॉर्मल यूज़र नहीं कहेंगे बट फिर भी कह सकते हैं कि एक आम इंसान के लिए है, जबकि ये जो 14 इंच के हैं ये बिजनेस या बहुत ज़्यादा आप हैवी एडिटिंग करते हो तो उनके लिए. स्क्रीन में आपको डिफरेंस साफ नज़र आएगा और जहाँ प्रो 14 में बेजल काफ़ी कम है, वहीं प्रो 13 में बेजल नज़र आते हैं. हालांकि ये भी कम है बट फिर भी कंपेयर करें तो 14 इंच के कंपेयर में इसमें है. 13 इंच मॉडल की बात करें तो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फीचर्स इसके कीबोर्ड में टच इंटरफेस है. जैसे मैंने यहाँ पे सफारी ऑन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी चीज़ स्क्रीन पे है उसके एक शॉर्टकट यहाँ पे हो दिख जाते हैं, जो कि काम करने में काफ़ी आपके इंटरेस्टिंग एज वेल एज आपको कह सकते हो कि हैंडी बना देते हैं. जैसे ही अब देख लो, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ब्राउज करने के लिए ओपन किया है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन जो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं सारे यहाँ पे दिख जाते हैं. इनफैक्ट नया पेज ऐड करने का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है. वॉल्यूम, प्लस माइनस, ब्राइटनेस, ये सारे कुछ आपको यहाँ पे दिख जाते हैं. अगर जैसे मैं कोई नोट्स का पेज ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप फॉन्ट का साइज, ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएगी. ये जो फीचर्स है इसके कीपैड को कूल तो बनाता ही है एज वेल एज आपके काम को काफ़ी कंफर्टेबल बनाता है. ये ऑप्शन हमने जो है 14 मॉडल में मिस किया, हालांकि इस पे भी होने चाहिए थे. स्क्रीन क्वालिटी दोनों की कंपेयर करें तो आप यू कैन फाइंड द डिफरेंस. डिस्प्ले की बात करें तो ब्राइटनेस में भी आपको डिफरेंस दिख जाते हैं और मैकबुक प्रो जो 14 इंच है वो बेहतर डिस्प्ले देगा. आज वेल एज इसकी साउंड क्वालिटी की भी बात करें तो प्रो 14 इंच में चूँकि 6 स्पीकर हैं इसमें तो ज़्यादा बेहतर साउंड देते हैं. तो कैसा लगा ये वीडियो बताओ ज़रूर. अगर हाँ, ऐसे ही किसी और चीज़ की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखो. तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू.